पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय ने पीएफआई से जुड़े मामले के लिए अलग डेस्क बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पीएफआई को बैन करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखा है। पीएफआई पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कई राज्यों में फंडिंग करने का आरोप है। बहरहाल इसका इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2006 में केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के मुख्य संगठन के रूप में शुरू हुआ था। केंद्र एजेंसियों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से साझा किए ताजा खुफिया इनपुट और गृह मंत्रालय के मुताबिक यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़ और सीतापुर क्षेत्रों में पीएफआई सक्रिय रहा है। सूत्र ने बताया कि यूपी पुलिस को ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे जिनमें कहा गया था कि पीएफआई सदस्य कैराना और शामली के कांदला शहर में हिंसा फैलाने की योजना बना रहे हैं। पीएफआई के कुछ सदस्य हिरासत में भी लिए गए थे जिनके बारे में पता चला कि उन्होंने केरल का दौरा किया और वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर, मेरठ और फिरोजाबाद में हुई हिंसा में पीएफआई के शामिल होने की जांच की जा रही है। बहरहाल खबर ये भी है कि पीएफआई को फंडिंग करने वाले, शरण देने वाले और दूसरी तरह की कोई और मदद करने वालों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक पकड़े गए पीएफआई कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन से अहम सबूत मिले हैं। इसमें मददगारों की डिटेल भी है। मददगारों के बैंक खातों की जांच होगी और इनका पीएफआई के खातों से मिलान किया जाएगा। पुलिस की शुरुआती जांच में फंडिंग की डिटेल्स मिली है। ऐसे लोगों की भी पहचान हुई है जिन्होंने पीएफआई को फंड दिया था। इस मामले में यूपी एटीएस और ईडी पहले से ही जांच कर रहा है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद मददगारों की भी गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा गिरफ्तारियों का दौरा लगातार जारी है। हाल ही में बिजनौर पुलिस ने पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए पीएफआई के सदस्य शोएब पर 20 दिसंबर को जुमे की नमाज से पहले घर घर जाकर पर्चे बांटने के दौरान लोगों को हिंसा के लिए बल करने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से पीएफआई के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की रसीद भी बरामद की है। पीएफआई के कुछ लोगों को हम लोग रडार पर रखे हुए थे, उनकी सर्विलांस पे की जा रही थी, सर्विलांस किया जा रहा था। उसी के क्रम में पहले 4 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। शोएब की गिरफ्तारी की गई है। इनका तार जो है फंडिंग से भी जुड़ा हुआ है। इस संबंध में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और जो जनपद में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके जो की कंस्पिरेटर्स हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनसे लगातार इनकी बात हुई है। अब तक सामने इनका रोल आया है कि ये जो दिनांक 20 तारीख को घटना घटित हुई है उसके पीछे इनका जो है मुख्य हाथ है। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं पीएफआई के? पीएफआई के अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।